हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काइन मास्टर के बारे में। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या हम अपने काइन मास्टर में कस्टम फॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब मैं दे देता हूँ कि हम काइन मास्टर में कस्टम फॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं भी और नहीं भी। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के बाद, उसे ज़रूर जाके देखना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको काइन मास्टर स्टोर पे बहुत सारे ऐसे फॉन्ट्स मिल जाते हैं जिनका यूज़ आप अपने वीडियो में कर सकते हो, लेकिन जब आपको उनमें से कोई भी फॉन्ट नहीं चाहिए, अगर कोई दूसरा स्पेसिफिक आपको कोई फॉन्ट चाहिए, तो आप वो फॉन्ट अपने काइन मास्टर में कैसे ऐड कर सकते हो, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा अपने पिक्सल लैब ऐप में। अगर आपके पास पिक्सल लैब ऐप नहीं है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसे डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें अपना कस्टम आपका जो भी फॉन्ट है पिक्सल लैब में पहले ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको वो काइन मास्टर में लेना पड़ेगा। तो अब वो कैसे करना है मैं आपको अपने मोबाइल पर दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये हम आ गए अपने पिक्सल लैब ऐप में। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे अपने कस्टम फॉन्ट्स ऐड कर सकते हो काइन मास्टर में पिक्सल लैब की मदद से। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ बहुत सारे फॉन्ट पहले से ही ऐड किए हुए हैं पिक्सल लैब ऐप में। ब्लड सीकर, लिट गॉथिक, ऑर्बिट्रॉन बोर्ड, ऐसे कई सारे फॉन्ट मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखे हैं। अगर आपको जानना है कि मैंने कैसे पिक्सल लैब ऐप में कस्टम फॉन्ट्स ऐड किए हैं, तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया कि आप कैसे अपने पिक्सल लैब ऐप में कस्टम फॉन्ट्स ऐड कर सकते हो। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए, मैंने यहाँ एक ऐड कर दिया है ब्लड सीकर। तो मैं यहाँ टेक्स्ट लिख के उसका फॉन्ट यहाँ से इनमें से किसी भी एक फॉन्ट लेकर उसे चेंज करके मैं आपको बता दूँ कि आप कैसे उसे काइन मास्टर में ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, तो इसे अपने जो भी कस्टम फॉन्ट अपना ऐड किया है उसमें से इसे कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए मैंने यह कन्वर्ट कर लिया है। तो आपको क्या करना है, वो बैकग्राउंड PNG कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आप अपने वीडियो में इसे डाल सकोगे, आपको वो बैकग्राउंड है कि आपको पूरा ट्रांसपेरेंट दिखेगा, मतलब आपको कंटेंट में वो बराबर सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे अपने काइन मास्टर में अपने कस्टम फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि आपको सिंपली से गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपको टाइप करना है टेक्स्ट फॉन्ट चेंजर। ऐसा टाइप करके सर्च करने के बाद आपको कई सारे साइट्स मिलेंगे, उनमें से आपको कोई भी एक साइट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आप जो भी वीडियो क्रिएट कर रहे हो उस हिसाब से आपको जो भी टेक्स्ट आएगा आपको वो लिख देना है। वो लिख देने के बाद आपको नहीं क्या, आपको नीचे कई सारे अलग अलग फॉन्ट में वही आपने जो भी टेक्स्ट टाइप किया वही आपको दिखेगा। तो आपको क्या करना है, वो सिंपली से वो कॉपी करके आपको अपने काइन मास्टर पर जाके वो पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों, यही थे दो तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप अपने काइन मास्टर में अपने कस्टम फॉन्ट्स ऐड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।